नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज में आपके साथ वैष्णवी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से एसपी दीपक कुमार शुक्ला द्वारा यातायात टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज स्थानीय कारंजा से नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राओं और यातायात टीम को एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने हरी झंडी देकर नगर में यातायात जागरूकता के लिए रैली को रवाना किया। एसपी दीपक कुमार शुक्ला और जिले के थानों सहित यातायात टीम द्वारा पिछले 3 से 4 माह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया जिसमें सुधार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिसके लिए संबंधित विभागों की मदद ली जा रही है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य 3 कारण निकल कर सामने आए हैं, जिनमें शराब पीकर वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना और नियम के विरुद्ध रॉन्ग राइड वाहन चलाना, जिसके लिए आज नगर के प्रमुख मार्गों से यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान एसपी दीपक कुमार शुक्ला, एसडीओपी रूपरेखा यादव, टीआई शंकर सिंह रघुवंशी सहित यातायात विभाग के अधिकारी और टीम मौजूद रही। देखिए, हम लोगों का लगातार प्रयास है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लाई जाए, उनमें मृत्यु दर में कमी लाई जाए। इसके लिए विगत 3-4 माह से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो टोल टैक्स के माध्यम से कुछ काम कराने की बात हो, टोल प्लाजा के माध्यम से, अलग अलग निर्माण एजेंसियाँ जैसे PWD, RES वगैरह हैं उनके माध्यम से कुछ सुधार कार्य कराना हो, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की बात है। इसी क्रम में आज हमने एक जागरूकता रैली बड़वानी हेडक्वार्टर पर आयोजित की है। इसमें लगभग 60 बच्चे जो हैं और हमारा ट्रैफिक का टीम जो है ये साथ में पूरे कस्बे में भ्रमण करके एक जागरूकता रैली करेगा और लोगों को जागरूक करेगा कि वो स्वयं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, किसी भी इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं से बचें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें 3 मुख्य कारण निकल के जो हमारे सामने आए हैं, वो एक है शराब पीकर वाहन चलाना, दूसरा है अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना और तीसरा है गलत दिशा में या उल्टी दिशा में वाहन चलाना। तो हमारा प्रयास है कि अगर हम इन 3 बिंदुओं पर लोगों को जागरूक कर पाए तो काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी आगे से। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।